और अब बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत के झपकी लगने से ये हादसा हुआ है। सर, पीठ और पैर में चोट आई है, डॉक्टर ये बता रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा, ये बात सामने आ रही है। ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर ये बता रहे हैं। उनकी कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से जाकर टकरा गई है, जिसके बाद कार में आग लग गई है। वहीं आपको ये तस्वीर आप देखिए, और आग लगने के बाद कार पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की से उसको तोड़कर वो बाहर निकले थे। बता दें आपको, उन्हें सर, पीठ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर्स का ये कहना है, उनके मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। डिवाइडर से ये कार टकराई है और इस पूरे एक्सीडेंट में बाल बाल बचे हैं। ऋषभ पंत, झपकी लगने से एक्सीडेंट हुआ है। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुँचे, जहाँ सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया गया है ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके। सर, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? एक्सीडेंट का जो स्पॉट है वो नारसन चौकी से लगभग 1 किलोमीटर रुड़की की ओर ये घटनास्थल है। वहाँ से अभी कार को क्रेन की मदद से हटा दिया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी ऋषभ शर्मा का, न्यूज रूम से वो हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये समझा जा सकता है कि कितना भयंकर ये एक्सीडेंट रहा होगा। इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रही है? लेकिन नवजोत, दो चीज़ें साफ हो चुकी हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऋषभ पंत जो हैं, उनका जो हादसा हुआ, उनके जो एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान उनकी उनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। बाल बाल वो बचे क्योंकि उन्होंने वक्त रहते अपने आप को कार से बाहर लाने में सफल रहे। लेकिन जिस तरह से अभी इमीडिएट मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया हॉस्पिटल की तरफ से, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि अभी कुछ इंटरनल कहीं इंजरीज ना हुई हो, इसलिए उनके कंप्लीट बॉडी स्कैन किया जाएगा। कहीं उनको अगर फ्रैक्चर हुआ हो या फिर कुछ और, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सोर्सेज हमारे को बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ऋषभ पंत जो हैं, उनके पाँव में एक लिगामेंट इंजरी हुई है, और ऐसी इंजरी जो होती है उसको उभरने में कम से कम 4 से 5 महीने ज़रूर लग जाते हैं। और अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये एक सीरियस स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, जिसके चलते ऋषभ पंत अगले 4 से 5 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। इसमें आप अगली कुछ इंडिया की इंटरनेशनल सीरीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, आईपीएल के सीज़न 16 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर रिहैब में ज़्यादा वक्त लगता है तो फिर इसी साल के अंत तक वनडे वर्ल्ड कप भी हिंदुस्तान में खेला जाना है, तो वहाँ पर भी ऋषभ पंत का खेलना जो है वो कहीं ना कहीं डाउट में आ जाएगा। और दूसरी जो अपडेट आ रही है वो ये है कि ऋषभ पंत जो है, उनको उनका जो परिवार है वो दिल्ली के एम्स में लाकर इलाज कराने के बारे में सोच रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड ओपिनियन, पहले मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपना कंप्लीट चेकअप कर लें और उसके बाद में जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद में एक सेकेंड या थर्ड ओपिनियन के लिए दिल्ली के एम्स में भी ऋषभ पंत का ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। दिल्ली के लिए लोकल क्रिकेट, ये कह सकते हैं कि घरेलू क्रिकेट खेलते हैं ऋषभ पंत, और जो ऋषभ पंत हैं उनके इलाज के लिए DDCA भी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो भी आगे बढ़ के आया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एम्स में हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ऋषभ पंत का इलाज होता। आप हमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आपका रुख करेंगे। इस बीच देहरादून से हमारे साथ अधीर यादव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। अधीर, आपसे समझना चाहेंगे, डिवाइडर से ये कार टकराती है और बाल बाल बचे हैं ऋषभ पंत, हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत का जो सुबह 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनको
रुड़की के अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उसके बाद उनको रेफर कर दिया देहरादून के मैक्स अस्पताल में। इस वक्त ऋषभ पंत मैक्स अस्पताल में अंदर भर्ती हैं और डॉक्टरों का जो पूरा पैनल है उनका इलाज कर रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद एक हेल्थ बुलेटिन जारी होगा जिसमें बताया जाएगा कि ऋषभ पंत की स्थिति क्या है, कितनी उनको चोट लगी है और क्या उनकी अब स्थिति है, कि देहरादून के इसी मैक्स हॉस्पिटल में उनका आगे का इलाज होगा या फिर उनको दिल्ली रेफर करा जाएगा। तो थोड़ी देर में अभी डॉक्टरों का एक हेल्थ बुलेटिन जारी करा जाएगा और उसमें ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किस तरह की उनकी अभी हालत है और अगर उनको यहाँ देहरादून रखा जाएगा या फिर दिल्ली के लिए रेफर किया जाएगा। जी बेशक, आप हमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।